का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। बहुत कम मेंबरों को ये नसीब होता है कि एक ओथ सेरेमनी का वहाँ ओथ करवाना, तो ये एक मेरे लिए आँख खुशी का दिन है। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में कोई मेडल जीतता है वो कितना खुश होता है, ऐसे ही मैं आज खुश हूँ कि मैंने ये अचीवमेंट मेरे लिए ये मैंने अचीव की कि आज मुझे इतना लोगों ने जिताया कि आज मैं ओथ सेरेमनी का हेड कर रहा हूँ और ओथ डेप्यूटी स्पीकर बन गया। यह है कि मेरे लिए चैलेंज है ये कि वहाँ पर ये जो हमारे जो इस वक्त सिचुएशन है इसमें हमें निकलना है आहिस्ता आहिस्ता। वो इसमें उमर साहब ने कमिटमेंट की है, हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, हाँ इंशाल्लाह हम उसके ऊपर चलेंगे, हम डायल्यूट नहीं होंगे। जैसे कि कुछ मीडिया ऐसे दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये अपनी अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी वर्ल्ड में होती, वर्ल्ड में किसी जगह भी आप देखें, उनकी अपनी स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी आवाम को दिखती है आहिस्ता आहिस्ता। एक ही बार अगर दिखाएंगे हम ये करने जाए, ये करना जाए, ये हाँ ये करेंगे, वो हाँ ये करेंगे, उससे मामला ठीक नहीं होगा। अभी हमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना है, हर लोगों के मसाइल को देखना है, डिस्ट्रिक्टों में जाना है, डिस्ट्रिक्टों से मसाइल काफ़ी हैं, नौजवान के मसाइल हैं, टूरिज़्म के मसाइल हैं, अर्बन डेवलपमेंट के मसाइल हैं, रूरल डेवलपमेंट के मसाइल हैं, बहुत सारे मुश्किल हैं। इसमें आराम थोड़ा दीजिए, टाइम दीजिए, फिर हम पॉलिटिकल इश्यूज़ पे जो हमारा क्लियर स्टैंड है वो बराबर आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करने दीजिए, अभी टाइट एडमिनिस्ट्रेशन को आप चलाने दीजिए, लोगों को सुने देने दीजिए और जो हमारा मैनिफेस्टो उस पर अमल करने दीजिए, तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई डायलॉग नहीं हुआ। देखता हूँ बताऊँ क्या कहूँगा मैं आपको, मुझे ये सवाल का बड़ा उल्टा लग रहा है। मैं तो ये मैं ये तो मेरे ख्याल आदि हो चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार गया वहाँ ओथ सेरेमनी में, लेकिन फिर खाली आता आया घर। कोई बात नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन पहले पहले मुझे महसूस होता था जब इतनी कितनी सेरेमनियाँ हुई होंगी फारूक साहब की, कितनी मिनिस्टर की, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरी भी आ जाए, नहीं आई तो आ जाएगी, जब भी होगा मौका आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मुझे इफ़ेक्ट नहीं होता है, अब मैं ड्रॉप करने से इफ़ेक्ट नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो आदि बन चुका हूँ। हमारे पास मिनिस्ट्रियां हैं, अभी हमारे पास मिनिस्ट्रियां हैं, अभी मुझे ये जिम्मेवारी है इसको हल देनी है, और मैं ये कहता हूँ इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, टाउन शारिक खास को जरूरी मिलेगी। शारिक खास ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। सिग्नल चला जाता है वहाँ से ओडी तक, कर्नाटक, गुरेज तक, टंगडार तक, उधमपुर तक, सब जब जब टाउन ठीक होगा सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। ये भी देखेंगे इंशाल्लाह। स्टेटहुड के हवाले से उमर साहब, मेरी हमारा है, मैं कहता हूँ मैंने अभी स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा गवर्नमेंट को इंडिया को चाहिए वो हम कोर्ट में वो ये फटाफट, क्योंकि लोगों ने वोट डाले, लोगों ने एतमाद किया डेमोक्रेसी के ऊपर, अब वो अमन है वगैरह अच्छी है। एक सिर्फ वो चलें, दो सिर्फ हम चलेंगे, तीन सिर्फ वो चलें, दो सिर्फ हम चलेंगे, और उनको चाहे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मोदी जी वोट में घूमते हैं और वर्ल्ड में उनका रेस्पेक्ट है, लेकिन इसमें देखा है फराग दिली हो जाए, मैं कहा कोर्ट वोट जाने के लिए मैं जम्मू कश्मीर को स्टेट देता हूँ, मानेंगे ये अच्छी बात होगी, वो लोग अप्रिशिएट करेंगे।